हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आवर हैप्पी सॉल्यूशन। आज मैं बात करने वाला हूँ लॉग आउट लॉग आउट एंड टैगआउट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि लॉग आउट एंड टैगआउट क्या होता है। तो जब कभी भी हम किसी एनर्जाइज मशीन पर काम करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले जो उसका एनर्जी का रिसोर्स होता है उसको बंद करते हैं, साथ ही उस पर एक लॉक और टैग लगाते हैं ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसको स्टार्ट न कर पाए। इसी प्रोसेस को लॉग आउट एंड टैगआउट कहते हैं। तो लॉग आउट एंड टैग आउट एक ऐसी प्रक्रिया होती है, अगर चालू मशीनों और उपकरणों पर मेंटेनेंस का काम करने के दौरान अगर इस प्रोसीजर का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। तो किसी भी एनर्जाइज सोर्स पर काम करने से पहले लॉग आउट एंड टैग आउट का प्रयोग करना होता है। लॉग आउट एंड टैग आउट का उपयोग करने से पहले हम सबको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए जानते हैं कि लॉग आउट एंड टैग आउट करते समय हमें किन किन सुरक्षा बिंदुओं का रखना चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट में सर्वे करके सभी सिंगल व मल्टीपल एनर्जी सोर्स का पता करके टेस्ट करना चाहिए तथा उनकी नंबरिंग करनी चाहिए। काम के हिसाब से किन किन एनर्जी रिसोर्स का आइसोलेशन करना भी निर्धारित करके प्रबंधित करना चाहिए। साथ ही अगर किसी एनर्जी सोर्स में मॉडिफिकेशन हुआ है या कोई परिवर्तन आया है तो हमें उसे भी अपडेट करना नहीं भूलना चाहिए। सभी एनर्जी सोर्स को आइसोलेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आइसोलेशन करने का जुगाड़ नहीं है तो मॉडिफिकेशन करके व्यवस्था को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। प्लांट में संबंधित ऊर्जा स्रोत कई प्रकार के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हाइड्रोलिकल एनर्जी, न्यूमेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इत्यादि। इन सभी एनर्जी सोर्सों पर अगर काम के दौरान आइसोलेट ना किया जाए तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसीलिए हमें इन सब पर काम करने से पहले प्रोसीजर का संपालन करना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब होता है किसी भी मशीन उपकरण काम हो उसे संभावित आइसोलेशन करने का मतलब होता है किसी मशीन उपकरण इत्यादि जिस पर काम हो उसे सभी संभावित ऊर्जा स्रोतों को इस तरह से पृथक करना कि जब हम चालू करना चाहे तभी वो चालू हो। लॉगआउट टैगआउट का मतलब होता है मशीन उपकरण इत्यादि को संभावित ऊर्जा स्रोत से पृथक करना तथा अवशेष ऊर्जा अगर उसमें कोई बची हो तो उसे भी निकाल देना, और साथ में आइसोलेशन पॉइंट में ताला लगाकर सुरक्षित करना होता है। अन्यथा लॉक पॉइंट कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाल्व, स्विच कंट्रोल, ब्रेकर इत्यादि। कभी कभी मशीन उपकरण का आइसोलेशन करने के बाद भी स्टोर एनर्जी बनी रहती है और खतरनाक साबित हो सकती है। आइसोलेशन पॉइंट पर एक टैग लगाना चाहिए जिससे पता चल सके कि किसने लॉक लगाया है। लॉक आउट टैग आउट करने के लिए विभिन्न युक्तियों का प्रयोग की जाती है, जैसे लॉक, टैग, चेन, हैश, ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स इत्यादि। आइसोलेशन पॉइंट पर एक टैग लगाना चाहिए जिससे पता चल सके कि कितने लॉक लगाया है। आउट टैग आउट करने के लिए विभिन्न युक्तियों का प्रयोग की जाती है, जैसे लॉक, टैग, चेन, ग्रुप आइसोलेशन इत्यादि। बॉक्स की हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग कलर कोडिंग की जानी चाहिए, जैसे कि लाल इलेक्ट्रिकल के लिए, पीला मैकेनिकल के लिए, काला प्रोसेस के लिए, नीला इंस्ट्रूमेंट तथा हरा आई डिपार्टमेंट के लिए होता है। जब किसी काम में एक से अधिक एजेंसी, आदमी, कॉन्ट्रेक्टर, ऊर्जा स्रोत शामिल हो तब हमें ग्रुप आइसोलेशन करना चाहिए। आइसोलेशन करने के कई तरीके होते हैं, जैसे रैक आउट, फ्यूज निकालना, डमी लगाना, स्लिप प्लेट लगाना, फ्लैग लगाना, पाल बंद करना या लकड़ी का गुटखा लगाना इत्यादि इसमें शामिल होता है। आइसोलेशन करते समय अगर कैटेगरी 1 के मटेरियल हैं, जैसे एसिड, कास्टिक, ज्वलनशील द्रव तथा उच्च दाब की भाप, जहरीले मटेरियल्स, रेडिएशन, उच्च दाब व ताप की स्थिति हो तब डबल ब्लॉकिंग करना चाहिए। आइसोलेशन करते समय अगर कैटेगरी 2 के मटेरियल है तब कम से कम एक वाल्व को बंद करना चाहिए। कंट्रोल वाल्व तथा चेक वाल्व में आइसोलेशन नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव शॉर्ट ऑफ वाल्व का वाल्व से आइसोलेशन किया जा सकता है। लॉग आउट टेक आउट करने के बाद फील्ड में ट्राई आउट करके ही काम करना चाहिए। ट्राई आउट करते समय मशीन या उपकरण
कि कोई आदमी या मटेरियल इत्यादि नहीं होना चाहिए। ड्रग टैग उन्हीं ही निकालना चाहिए जिन्होंने उसको लगाया है, अन्यथा अगर कोई दूसरा व्यक्ति ड्रग आउट टैग आउट जिसने लगाया है वो ना कोई करके कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसे निकालता है तो खतरा बना रहता है और एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। ड्रग आउट टैग आउट का काम वही करें जिनको कंपनी की तरफ से अधिकृत किया गया है। इलेक्ट्रिकल पैनल में किसी ड्राइव का ड्रग आउट टैग आउट करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि ड्राइव बंद है, नहीं तो फ्लैश होने का खतरा रहता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इलेक्ट्रिकल लॉकआउट करते समय आर्क फ्लैश सूट एवं इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि अगर किसी भी कारणवश अगर आर्क फ्लैश होता है तो पीपीएस की सहायता से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जब किसी काम में ऊर्जा स्रोत को लॉकआउट टैग आउट करने की जरूरत है तो उसे परमिट में सही तरीके से साफ साफ लिखा होना चाहिए और लेगआउट टैग आउट करने के बाद ही काम को शुरू करना चाहिए। तो ये कुछ लॉकआउट टैग आउट से जुड़े हुए सुरक्षा बिंदु थे जिस पर हमने चर्चा की। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।